देखिए यहाँ पे बात करेंगे गुजरात चूलरूम के बारे में, तो इनके रिज़ल्ट आ चुके हैं और जैसी एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी कि रिज़ल्ट के बाद स्टॉक में गिरावट हो सकती है, सेम चीज़ें हुई, बट यहाँ से रिवर्सल के चांसेस तो वापस से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली बात आपको बता दूँ कि स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें स्टॉक के ऊपर मंडरा रही हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो 187 के अराउंड वॉल्यूम है और स्टॉक जो है 2 बार इसी लेवल पर एक बार जो है रेजिस्टेंस फील करने के बाद ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ से तेज़ी आई थी। अब वापस से स्टॉक जो है उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 2 लो बनाए थे, एक लो यहाँ बनाया, दूसरा लो यहाँ बनाया, तो उससे अगर ट्रेंड लाइन जोड़ते हैं तो तीसरी बार भी स्टॉक ने वहीं पर रेजिस्टेंस फील करके स्टॉक ने जो है वो नीचे आया। अब वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ चुका है पहली बात, दूसरी बात आज जो स्टॉक है यानी कि प्रीवियस डे को, तो स्टॉक उसी लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया जहाँ पर स्टॉक पहले सपोर्ट ले चुका था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि अगर आपको मंडे के दिन 21 रुपये 45 पैसे से ऊपर स्टॉक जाता हुआ नज़र आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक हल्की फुल्की आप इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर सकते हैं। और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो हम करेंगे इसके ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ से ब्रेकआउट होते हैं हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी ज़रा एक बड़ा मूव आने की पूरी पूरी तैयारी है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर आ सकते हैं, तो लगातार लॉस सर्कल लग रहे हैं पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें पर मोटर होल्डिंग तो वो 0.00 हो चुकी है, जो कि पहले थोड़ी बहुत थी बट अब वो बिल्कुल नील हो चुकी है और प्रमोटर ने अपने शेयर्स यहाँ से निकाल दिए। साथ ही आपको बता दूं कि FIS की होल्डिंग 0.00 है और DA की होल्डिंग 0.28 है, यानी कि डोमेस्टिक जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फिर भी हल्का फुल्का पैसा लगाया हुआ है, बट ओवरऑल यहाँ से सारे बाहर आ चुके हैं। बट फिर भी स्टॉक के बारे में चीज़ें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अगर सेल्स देखी जाए तो 22,944% सेल्स बढ़ी हैं, प्रॉफिट कंपनी का 1,168% बढ़ा है, कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है और वॉल्यूम पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त हमें चीज़ दिखाई दे रही है स्टॉक में। अब वॉल्यूम देख सकते हैं स्टॉक जो है 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो कंपनी जो पिछले साल 1 करोड़ कमा रही थी वही कंपनी अब 18 करोड़ रुपये कमा रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन भी है। यानी कि स्टॉक में काफ़ी चीज़ें डामाडोल चली हुई हैं। जून 2021 में 11% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, जो कि अब जीरो हो चुकी है। बाकी सारी जो जितनी भी होल्डिंग है वो सारी पब्लिक की है, 99.73। बहुत चीज़ें ख़राब है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट तो इस शेयर में हम करेंगे नहीं, बट हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। जिस हिसाब के रिजल्ट आए हैं तो स्टॉक में तेज़ी आना भी बनती है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।